जय नरसिंह बाबू की। दोस्तों तो स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट बढ़िया 8 बजे से। तो ना जुकाम लगा है, बुखार आया है, तो बाम लगाया था ना, तो उससे मेरी आँखें थोड़ा चप चप जाता हुई। तो आज ना छोटे चाचा लोगों की रुपाई है, तो उन्होंने आ देना बोला था। तो देखो बाहर तो धूप आ गई है अभी, अगर शाम में छोटी है और तबियत फ्रेश ही रहेगी तो जाऊँगी, नहीं तो मेरे को ही बुखार आया है, पानी में जाके फिर और आएगा। तो शानू की भी ना थोड़ी तबियत अच्छी हुई है, अभी मैडम को ना दूध पिला रखा है, तो इसको ना नींद भी आ रही, खेल भी कर रही है। तो 2 दिन हो गया इसका बुखार उतना टूट ही नहीं रहा है। तो शानू से ना मेरे को भी छिड़क गया था बुखार, तब जाके ऐसे हाल हो रहे हैं। बाकी भी बाम लगा रखा है यार, सर्दी लगी है ज़्यादा, तो हो जाएगा ठीक। अभी ना थोड़ा बाम लगा रखा है तो थोड़ा सही हो रहा है सर्दी। तो जाती हूँ बेबी के कपड़े डालने छत में और देखती हूँ चाची लोग पाइप लगाना शुरू कर दिया है या नहीं। बाकी एक नज़र मौसम की ओर, तो मौसम अभी भी ना धुंधला वाला हो रखा है और लग रहा है चाची लोग रुपाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो बेबी को दूध दूध पिला के जाती हूँ एक चक्कर। तो आगे की ब्लॉगिंग ना वहीं से होगी स्टार्ट, तब तक बेबी को ना गाय का दूध पिला पिला करके सुला देती हूँ। तो अब यहाँ चाची लोगों की रुपाई स्टार्ट हो रही है, तो मैं भी जा रही हूँ। तो देखते हैं भावर की रुपाई कैसे होती है। यहाँ ना थोड़ा दूर दूरी में लगाते हैं, हमारे वहाँ चिपका चिपका के लगाते हैं, वो मैंने देखा था, बट आज अच्छे से देखूँगी और दिखाऊँगी भी। तो देखते हैं आज रुपाई का माहौल। तो उस कोने से लेकर आधा लगा दिया है, वहाँ से वहाँ तक लगाना है, ताकि इस साइड भी गन्ना है और इस साइड भी गन्ना। ये गन्ने के बगल में हमारा है, हमारा क्या पता नहीं, यहाँ तो सोयाबीन बोया है शायद, पल्ले साइड लगाएंगे। बाकी धूप पे आए रखे हैं खेतों में, तो मशहूर हो रहा है, कमरे में सही हो रहा है। तो बेबी के उड़ने तक जितना लगा पाऊँगी उतना लगाऊँगी। तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पानी कम है। तो ये चाची लोगों की वहाँ रुपाई लग रही है ससुराल में पहली बार, और 3 साल बाद मैं भी लगाऊंगी। तो यहाँ आधे खेत से ना मैं भी लगी थी, अब वहाँ तक पहुँच गए हैं और थोड़ा बचा है, पर शामी का पता नहीं उड़ भी गई होगी, तो इसलिए शामी का ना याद आ रही है, रो रही होगी करके। तो अभी इतना लगा है और पानी पी रहे हैं, बाकी 3-4 बार लगा रखा है, तो मुझे आ रही रुपाई लगाने में। तो 2024 की फर्स्ट रुपाई है ये मेरी, 2020 से ना आज ही लगाया पहली बार ससुराल में। तो चाची चाय लेके आए हैं, तो साथ में क्रीम रोल भी, तो चाय और क्रीम रोल खा रहे हैं। तो रुपये से ना मैं घर आ गई हूँ, थोड़ा जल्दी में आई क्योंकि शानू का ना अचानक से टीका है करके पता चला, तो शानू मैडम को तैयार कर दिया है। बाकी इसको बुखार आया था तो मैं लाया नहीं, कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, तो इसको लेकर जाते हैं। और मिता जी की ना परसों भी डबल, आज भी डबल थी, तो इस चक्कर से वो सोई हैं, फिर इन्हें भी ड्यूटी जाना है, तो फारू देवर को बोला है तो वो ले जा देंगे। तो शामी का टीका ना यहाँ अंदर लग रहा है और बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रही है, और शामी अभी उड़ा ना आ रहा, अरे उड़ा। तो शानू को ना यहाँ पर टीका लगा रहे हैं,
मेरे तो अभी से हाथ पांव कांप रहे हैं, तब दीदी ने पकड़ दिया। पोलियो पिलाते टाइम ये इतना रो रही है, पता नहीं टीका लगाते टाइम जो कितना रोएगी। तो हम लोग घर भाग गए हैं, छाने को ना भी नींद आई है, हर रोते तो थोड़ी भी सर्दी लगी थी अब पूरी लग गई है। छाने को ना बाइक में हॉस्पिटल ले गए टीका लगाने के लिए, तो वो सारा हवा ना माथे में चल गया है। और छानों भी इतना रो रही है, इसके पाँव थोड़ा भी कहीं पर बिलक रहे हैं तो, और बुखार भी आ गया है थोड़ा। कीचड़ में रुपाई लगाए थी तो कीचड़ में जाने से, और शादू ने भी परेशान कर दिया है, खतरनाक वाला रो रही है। तो ये ना नया वाला चूल्हा है, इसमें ना रोटी बनाने में बहुत अच्छा रहा है। तो शाम के ना 7 बज रहे हैं, तो आज थोड़ा जल्दी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि शादू को ना बुखार आया है शरीर से। तो मैंने सोचा भी सो ही तो फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि मेरी भी तबियत खराब हुई है, तो बाद में ना दुख रहा तो बहुत। रोटी बनाने गई थी तो बेबी उठ गई थी और रो रही थी, उसको ना 5 शीशे दूध भी नहीं पिलाया है। फिर ये भी नहीं सोचते हैं यार, फिर तू उसको दूध पिला, हम करते हैं वैसे सुला देते हैं बिना पिलाए। बेचारे ना भूख से कब से लुहर आ गई है, उठी भी है ऐसे 5 बजे से, या 6:30 से भी ज़्यादा हो गया। तो मिस्ता जी भी आ गए हैं ड्यूटी से, और बेबी को ना भी बड़ी मुश्किल से सुला रखा है, 11:16 हो गया है। तो आज के ब्लॉग को नहीं पकड़ते हैं, इंडे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।